हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर मैं नीतू पी चौधरी आपको इनकरेज करना चाहती हूँ ज़िंदगी को गले लगाने के लिए। आज खास तौर पर हम बात करने जा रहे हैं रिश्तों के बारे में। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट हर घर में पाई जाती है, या ऐसे कह लीजिए कहानी घर घर की, और वो ये है कि आपसी मतभेद रहता है। रिलेशनशिप्स में दरारें पड़ चुकी हैं, एक दूसरे की बात नहीं सहने को तैयार होते लोग, और छोटी छोटी बातों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर तकरीबन 60% कॉल्स ऐसी आती हैं जहां पर लोग अपने आपसी रिश्तों की कठोरता की वजह से बड़े परेशान हैं। घरों में प्रॉब्लम्स हैं, आपसी तनाव है जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं, फैमिलीज बिखर रही हैं, और इसका नतीजा जो है वो बच्चों की ज़िंदगी पे पड़ रहा है कि बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। ऑब्वियसली जब माँ बाप की आपस में नहीं बनती है तो बच्चों की लाइफ अफेक्ट होती है इस सब चीज़ से। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बिब्लिकल इंसाइट्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और ये जो चीज़ें हैं वो किस वजह से हो रही हैं। चलिए सबसे पहली अगर हम बात करें, आपको पता है कि परमेश्वर ने इसलिए इंसान को बनाया बिकॉज प्रभु ने कहा कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में अपनी समानता में रचें। बिकॉज गॉड वॉन्टेड टू रेप्लीकेट हिमसेल्फ इन टू समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट यू नो टू हिज स्टैंडर्ड्स, परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुकूल होना चाहिए। और इसका जिक्र हम पढ़ते हैं जेनेसिस की बुक, उत्पत्ति की किताब, उसके पहले चैप्टर में 26 आयत में। और प्रभु ने क्या कहा कि हम इंसान को अपने स्वरूप अपनी समानता में रचें, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आकाश के पक्षी हैं, चाहे वो समुद्र की मछलियां हैं, चाहे वो जो पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उन सब के ऊपर डोमिनियन रख सके, अधिकार रख सके। सो जो समझने वाली बात वो ये है कि जब परमेश्वर यूनिटी में लेकर आते हैं, सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा यूनिटी में है, तो जब यूनिटी आती है और प्रभु ने अपने जैसा इंसान को बनाया, सो विद यूनिटी कम्स डोमिनियन। जो अधिकार दिया जाता है वो सिर्फ तभी काम आता है, वो सिर्फ तभी ही यूज हो सकता है जबकि हम यूनिटी में रहते हैं। आप जानते होंगे कि हिंदी में एक ऐसा मुहावरा भी है जिसमें कहते हैं कि मुट्ठी बंद है तो लाख की, खुल गई तो खाक की। क्योंकि जब बंद होगी तो obviously you can do so much with that, but जब खुल गई तो एक एक individual का ऐसे कोई खास मायने या मकसद नहीं रह जाता। वैसे ही घर में अगर एक फैमिली में तनाव है, एक फैमिली में आपसी मतभेद है, तो जैसे वचन बताता है कि जो घर आपस में बटा हुआ होता है वो स्थिर नहीं रह सकता, उसकी फाउंडेशन हिल चुकी है विद डिस्कॉर्ड एंड डिसयूनिटी, ऑब्वियसली दैट हाउस कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। सो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाया और प्रभु ने कहा कि इंसान का, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है। सो प्रभु ने उसके लिए एक सूटेबल हेल्पर को बनाया। सो हेल्पर तो उसके अंदर ही था, प्रभु ने बस उसकी हड्डी में से हड्डी निकाल कर उसमें मांस भर दिया और अब वो क्या है, मैन में से वुमन बन गई, नर में से नारी बन गई। परमेश्वर ने क्यों दो लोगों को बनाया, क्यों परमेश्वर ने उनको यूनिटी में रखा? बिकॉज प्रभु का वचन कहता है टू इज बेटर देन वन, दो लोग एक से बेहतर है। यानी कि अगर एक विश्वास में गिर भी जाता है, एक कोई गलत डिसीजन भी ले रहा है, तो दूसरा उसको संभाल सकता है, दूसरा उसको बढ़ा सकता है ताकि वो गलती ना करे। तो परमेश्वर ने इसलिए दो लोगों को बनाया ताकि परमेश्वर का वचन वो पूरा हो सके, जहां पर प्रभु कहते हैं जहां दो या तीन प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु उनके मध्य में, प्रभु उनकी हुजूरी में, प्रभु उनके साथ होते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू में, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 18 चैप्टर में 19 और 20 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं कि जहां दो या तीन, प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं तुमसे फिर कहता हूं यदि दो लोग पृथ्वी पर किसी भी एक बात के लिए एक मन होकर परमेश्वर से कुछ मांगे तो पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहां दो या तीन प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु कहते हैं उनके बीच में मैं मौजूद हूं। तो जो सारा अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है वो कब ऑपरेट करता है, जब हम यूनिटी में होते हैं। सो यानी कि यूनिटी में आने का सबसे पहला कारण तो परमेश्वर ने ये रखा और उसका ये रिजल्ट रखा कि हमें अथॉरिटी मिलती है, वी हैव डोमिनियन ओवर थिंग्स। तो अगर आपको लगता है कि घर में प्रॉब्लम है, तो अगर दो लोग, कोई भी दो जन
एक मन होकर परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करें एंड बी कंसिस्टेंट इन योर प्रेयर। हर समय आप परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना को रखें तो आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि शैतान को भी ये फॉर्मूला पता है। उसे पता है कि जहां कहीं दो लोग, कम से कम दो लोग का परमेश्वर ने एक यूनिट बना दिया है कि कम से कम जहां पर दो लोग इकट्ठा होकर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे वहां पर उनकी दुआ स्वर्ग में पहुंचनी ही पहुंचनी है, क्योंकि वो यूनिफाइड है, वो एग्रीमेंट में है, वो सहमति में है। तो शैतान क्या करता है? शैतान तो ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के काम इस जगत में हो, या वो ये नहीं चाहेगा कि उसका साम्राज्य हिल जाए। तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहली चीज जो करेगा वो यूनिटी पे अटैक करेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि जब घर में एक इंसान प्रभु के वायदों में चलना शुरू करता है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना शुरू करता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना शुरू करता है, तो घर में बड़ा हल्ला मचना शुरू हो जाता है। घर के दूसरे मेंबर्स जो हैं वो शोर मचाने शुरू कर देते हैं, वो या किसी तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं, या वो कोई ना कोई ऐसी ऐसी बातें निकाल निकाल कर एक दूसरे के ऊपर ताने कसने शुरू कर देते हैं। क्यों? उन चीज़ों से मेंटल पीस तो खराब होता ही होता है, साथ ही साथ घर की यूनिटी भी खराब होती है। अब यूनिटी खराब होगी तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट में नहीं आएंगे, अग्रीमेंट में नहीं आएंगे ऑब्वियसली प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? Obviously. So, इसलिए जो भी डिसयूनिटी है अगर आपके घर में या आपके रिश्तों में या आपके हस्बैंड वाइफ के मैरिटल रिलेशनशिप में, तो आप समझें कि ये काम जो है वो शैतान और शैतान की सेनाओं की ओर से किया जा रहा है। वो आपकी अपनी लाइफ में परमेश्वर ने नहीं लाया है, बट यू स्टिल हैव अ कंट्रोल ओवर दैट। दूसरा काम भी यूनिटी के साथ किया होता है जब हम भजन संहिता 133 पढ़ते हैं। उसके पहले चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है, कितनी अच्छी बात है, कितनी मधुर बात है कि भाई भाई आपस में मिले रहें। इसको थोड़ा सा और आप डिटेल्ड वर्जन में जाते हैं, इसको एम्पलीफाइड वर्जन में जाते हैं, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के लोग आपस में जुड़े रहें। तो जब परमेश्वर के लोग आपस में जुड़ते हैं तो उसका क्या फायदा होता है? उसके साथ लिखा है कि परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उतरती है, परमेश्वर की प्रेजेंस उतरती है। और जहां कहीं परमेश्वर की प्रेजेंस उतरेगी वहां पर शैतान के जुए टूटेंगे ही टूटेंगे, बंधन खुलेंगे ही खुलेंगे प्रभु यीशु के नाम में। सो ऑब्वियसली शैतान तो ये नहीं चाहेगा कि उसके प्लान्स को कोई डिवास्टेट कर दे या उसके प्लान्स को परमेश्वर की हुजूरी आके खराब कर दे। सो वो क्या करेगा? वो परिवारों में, वो रिश्तों में तनाव और मतभेद को लेकर आएगा। चले एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि क्या ऐसी बातें हैं जिनके साथ शैतान फैमिलीज में कंफ्यूजन लेकर आता है, फैमिलीज में प्रॉब्लम्स लेकर आता है, कैसे, क्या उसके ट्रैप्स हैं, ऐसे कौन से उसके जाल हैं जिसकी वजह से वो लोगों को उस जाल के अंदर फंसा लेता है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि वो कन्फ्यूजन को लेकर आएगा, वो धुंधला कर देगा, सारे एटमोस्फियर को धुंधला कर देगा। जब पहली बार शैतान ने हवा को बरखलाया था प्रभु के वचन के खिलाफ, तो उसने क्या किया था? उसने कंफ्यूजन लाने की कोशिश की थी, उसने काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। उसने पूछा हवा से, ईव से, कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने जो जो वाटिका के बीच में पेड़ लगा हुआ है उसके फल को खाने से मना किया है? सो ही एडेड कंफ्यूजन टू द एंटायर थिंग, वेयर एज ईव को पता था कि वो नहीं खाना है, बट स्टिल दे एंगेज्ड इन टू कॉन्वर्सेशन। और वहां पर क्या हुआ कि उसने कंफ्यूज कर दिया उसको, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने खाने के लिए और परमेश्वर ने हाथ लगाने के लिए मना किया है। सो शी गॉट कंफ्यूज्ड आउट ऑफ द एंटायर थिंग। सो सबसे पहला काम रिश्तों के बीच में क्या आएगा? कंफ्यूजन आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। जो पहले आप एक दूसरे के साथ बात किया करते थे, जो पहले आप एक दूसरे के साथ खुलकर सारी बातों को शेयर किया करते थे, आपके मन में डाउट आ जाएगा दूसरे को लेकर। क्यों? क्योंकि वो डाउट के साथ ही तो वो पहला कदम आपकी जिंदगी में रखता है ताकि आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर सके। दूसरा काम शैतान क्या करता है कि आपको एक दूसरे के साथ खराब करे? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, एक समय ऐसा आता है कि जो डाउट्स और ट्रांसपेरेंसी, डाउट्स इतने बढ़ जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी इतनी कम हो जाती है रिश्तों में, आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते,
आपको बैक ऑफ द माइंड ये लगता है कि अगर मैं कोई बात करूंगा या करूंगी तो ये उसका गलत मतलब निकालेंगे, अगर मैं अपना पड़ा अपना अपना यू नो पक्ष रखूंगा या रखूंगी तो वो दूसरा जो इंसान है वो गलत मतलब निकालेगा. तो आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट विथड्रॉइंग योर सेल्फ. आप बात करने से झेपते हैं, आप बात करने से कतराने शुरू हो जाते हैं. तो वो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी वो जो गैप आ गया आप में और आपके रिश्तेदारों में या आपके और आपके अजीजों में, अब वो गैप कौन फिल कर रहा है? वो गैप शैतान अपने कामों के साथ फिल कर रहा है. और होता क्या है कि इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन का वो पूरा पूरा फायदा उठाता है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन की ही अगर मैं आपके साथ बात करूं, जब उसने आदम और हवा को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा कर दिया था, डिसोबीडियंस के साथ भर दिया था, और उन्होंने वो काम कर दिया था जो प्रभु ने मना किया था करने के लिए, तो क्या हुआ? देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. जब परमेश्वर गार्डन में आते हैं तो गार्डन ऑफ ईडन में, तो ये दोनों छुप जाते हैं आदम और हवा, और प्रभु के साथ बातें नहीं करना चाहते. जबकि उससे पहले हमने देखा है कि प्रभु हर शाम को आया करते थे, ठंडे समय में आया करते थे, और प्रभु उन लोगों से बातें किया करते थे. बट जब अब परमेश्वर आए विद सिन कमिंग इनटू देयर लाइव्स, विद डिसोबीडियंस कमिंग इनटू देयर लाइव्स, विद द प्लान्स ऑफ द एनिमी इन देयर लाइव्स, तो कम्युनिकेशन का जो नाता है वो टूट गया और वो छुप गए, क्योंकि वो परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते थे. डर के मारे, आउट ऑफ सिन, आउट ऑफ फियर, वो बात नहीं करना चाहते थे और वो कम्युनिकेशन में लैप्स हो गया. तीसरा जो ट्रैप है जिसके साथ जो अंधकार की शक्तियाँ काम करती हैं रिश्तों के बीच में, वो है वर्क और फैमिली का बैलेंस. क्योंकि आजकल हर कोई बिजी है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू द मैक्सिमम दैट दे कैन डू, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए भाग दौड़ करते हैं. तो उसमें क्या होता है, अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं. सो ये जो ज़्यादा भाग दौड़ और जो ज़्यादा बिजीनेस होती है, दैट बिकम्स अ ट्रैप. वो एक तरह का जाल होता है आपको फंसाने के लिए, ताकि आप अपने रिश्तों को समय ना दे पाएं, आप अपने अजीजों को समय ना दे पाएं, और वो जो टाइम का जो लैप्स है उसकी वजह से और चीज़ें, कंफ्यूजन जो है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जो वो चीज़ें उसमें आ सकें और आपके रिश्तों को वो ख़राब कर सकें. वचन में जब हम देखते हैं कि हवा ने जब उस फल को देखा तो उसने देखा ये फल देखने में बहुत खूबसूरत है, चाहने योग्य है, इट इज़ टेम्प्टिंग. तो क्या होता है, ये जो बिजीनेस होती है वो इसलिए होती है बिकॉज लाइफ में इतनी सारी टेम्पटेशंस आ जाती हैं. किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं तो लगता है यार बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, किसी का बड़ा बंगला देख लेते हैं, अपने घर से ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा बंगला भी चाहिए होता है, अपार्टमेंट बड़ा चाहिए, फैंसी कपड़े चाहिए, डिज़ाइनर क्लोथ्स चाहिए, एवरीथिंग यू वॉन्ट मोर देन वॉट इट इज़ विद यू. तो उससे क्या होता है, टेम्पटेशंस बढ़ती चली जाती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और वो बिल्कुल सही समय होता है जबकि शैतान आके रिश्तों के ऊपर हमला करता है. ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है. और प्रभु का वचन, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ ये बातें क्यों शेयर कर रही हूँ, पर मैं आपको ये बताऊंगी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है. टिल द टाइम आपको एनिमी के प्लान्स ही ना पता हो तो आप कैसे उनको काउंटर कर सकते हैं, आप काउंटर अटैक कैसे कर सकते हैं? वो तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसके काम अगर आप जान जाएं, उसके प्लान्स को अगर आपके सामने खोल के रख दिया जाए, तो आपको पता है कि अच्छा, अगर एक्स्ट्रा बिजीनेस हो रही है दैट मींस ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये टेम्पटेशन है. अगर कंफ्यूजन आ रही है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बातों के बारे में बताया गया था कि दीज आर द प्लान्स ऑफ द एनिमी, जो कि आपके रिश्तों को खराब करने के लिए आता है. और भी कुछ चीजें, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, घर में एक ही मुद्दे के ऊपर अलग अलग बातें होंगी, और हो सकता है ओपिनियन सबकी अलग अलग हो, लेकिन डिसएग्रीमेंट जब फाइट में बदल जाता है तो वो डेफिनेटली इट इज नॉट अ हेल्दी थिंग. तो हो सकता है कि आपने देखा हो अपने घरों में कि एक ही मुद्दे के ऊपर सबकी अपनी अपनी ओपिनियन तो होती है, लेकिन दे गेट सो वोकल अबाउट इट, एकदम तैश में आ जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, और सब कहते हैं मेरी बात जो है वो सही है, दूसरा जो कह रहा है उसको काटते हैं. और उसके साथ क्या होता है, आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो आपके रिश्तों को खराब कर सके, आपके घर में आ सके और आपको डिवाइड कर सके. जैसे कि वचन में लिखा है, मरकुस की इंजील उसके 3:25 में ऐसा लिखा है कि जो घर बटा हुआ है, जिस घर के अंदर डिविजन है, वो घर स्टेबल रह ही नहीं सकता है. सो आपको करना क्या है, आपको परमेश्वर के नाम में घर को स्टेबल रखना है और डिसएग्रीमेंट्स को हेल्थी डिस्कशंस में बदलना है. इसके अलावा एक और चीज़ है जिससे शैतान
ट्रैप करके लोगों के रिश्तों को खराब करता है और वो है घमंड। घमंड एक ऐसी चीज है जो कि जिस भी रिश्ते में आ जाएगी उस रिश्ते को खराब कर देगी। कई बार हस्बैंड या वाइफ में ये घमंड होता है कि हम में पढ़ा लिखा कौन ज्यादा है, कई बार ये घमंड होता है कि कमाता कौन ज्यादा है, कई बार अपने कामों का ही घमंड हो जाता है कि एक को लगता है कि मेरे काम जो है वो बेहतर है या मैं दूसरे से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। तो जो प्राइड ईगो के साथ आ जाती है उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। और अगर आप देखें रिश्तों की शुरुआत जो खराब होने की शुरू हुई थी वो स्वर्ग से शुरू हुई थी, जब परमेश्वर के सामने लूसिफर था और लूसिफर को घमंड आ गया कि वो परमेश्वर से भी ऊंचा अपना राज्य बना सकता है, प्रभु से भी ऊपर अपने सिंहासन को खड़ा कर सकता है। तो उस समय दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब डिविजन आई थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में से बाहर निकाल दिया था। तो जब आपकी जिंदगी में आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए कि मैं तो यू नो आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी मेरी फैमिली में भी मेरे समान खड़ा नहीं हो सकता, तो आप समझ जाएं कि वो ट्रैप है एनिमी का जो कि आपको गिराने के लिए और आपके रिश्तों को खराब करने के लिए आपके लिए भेजा गया है। तो ये पांच चीजें तो हमने शेयर की कि जो ट्रैप्स हैं एनिमी के कि वो कैसे रिश्तों को खराब करता है। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, इनमें से बाहर कैसे आया जा सकता है। देखिए सबसे पहली चीज है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें स्टेबल करता है, वो हमें हमारे लिए एक ऐसी फाउंडेशन का काम करता है जिसके ऊपर हमारे रिश्तों की बिल्डिंग को खड़ा किया जा सकता है। सो जिस इंसान के पास परमेश्वर का वचन नहीं है ऑब्वियसली उसे समझ नहीं आएगा कि जो बातें हम कर रहे हैं वो क्या है, क्यों, क्योंकि वो शैतान की चालों को समझ ही नहीं पाएगा तब तक जब तक कि वचन को पढ़ेगा नहीं। किसी चीज की नॉलेज होना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा आप उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ विल इट कन्वर्ट इनटू विजडम। दूसरी चीज प्रार्थना, जो घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं उस घर को तोड़ना आसान नहीं होता, उन रिश्तों में आकर दरार डालना आसान नहीं होता। सो जब परमेश्वर का वचन आपके पास है, प्रार्थना आपके पास है, और इंग्लिश में एक ऐसा भी एडेज बोला जाता है द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, आप प्रार्थना इकट्ठे करते हैं, तो आपके रिश्तों को आसानी से नहीं हिलाया जा सकता। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी विलिंगनेस होनी जरूरी है, आपकी इच्छा होनी जरूरी है। हो सकता है आप वचन को भी जानते हैं, आपको जो जो बातें मैं बता रही हूँ आपको पास्टर जी हमें तो ये बातें पहले से ही पता थी, हम प्रार्थना भी करते हैं, पर हो सकता है आपकी विलिंगनेस ना हो कि आप अपने रिश्तों को संजो के रख सके। सो रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपकी इच्छा और आपकी आपके एफर्ट्स जो है वो उतने ही मायने रखते हैं जितना कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के सामने की हुई प्रार्थनाएं रखती है। एक मैं आपको परमेश्वर के वचन में एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, और मैं चाहती हूँ कि इसको आप ज़रूर नोट कर ले, जो कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में है, नीति वचन में है, उसके चैप्टर 24 और तीसरी और चौथी आयत में है। हिंदी में ऐसे लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। सो दैट मींस कि घर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, घर बनाने के लिए हीरे जवाहरातों की जरूरत नहीं होती, घर बनाने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, घर बनाने के लिए और चीजों की जरूरत नहीं होती। घर बनाने के लिए लिखा है बाय विजडम अ हाउस इज बिल्ट, यानी परमेश्वर का जब भय हमारी जिंदगी में आता है तो वहां से जब विजडम की शुरुआत होती है, अकल की शुरुआत होती है, वहां से घर बनना शुरू होता है। वचन ये भी बताता है कि जब तक परमेश्वर घर को ना बनाए घर को बनाने वाले की मेहनत बेकार जाती है। आप करते रहे जितनी मर्जी कोशिश करनी है, लगाते रहे पैसा जितना मर्जी लगाने की कोशिश करें, पर तब तक घर स्टेबल नहीं हो सकेगा जब तक आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है, जब तक आपके पास विजडम नहीं है, अकल नहीं है, तब तक घर नहीं बनाया जा सकता। आगे लिखा है एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट इज एस्टैब्लिश्ड, ऐसा नहीं लिखा थ्रू गिफ्ट्स इट इज एस्टैब्लिश्ड, ऐसा भी नहीं लिखा कि थ्रू यू नो गोइंग अराउंड एंड डेटिंग समबडी तो वो आपका घर एस्टैब्लिश होता है। नो, इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय एनी ऑफ दीज थिंग्स, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय अंडरस्टैंडिंग।
और अंडरस्टैंडिंग कब आती है? जब आपको वचन में समझ आती है, परमेश्वर के साथ आप समय बिताते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे करके इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, दैट इज़ व्हेन विद अंडरस्टैंडिंग वो घर बनना शुरू होता है, मजबूत होना शुरू होता है, एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। और फिर लिखा है, थ्रू नॉलेज इट्स रूम्स आर फिल्ड विद रेयर एंड ब्यूटिफुल ट्रेजर्स। और फिर जो ज्ञान परमेश्वर आपको देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा आपके घर में भरपूरी आती है, आपके घर में पैसा आता है, आपके घर में बरकत आती है, आशीषें आती हैं, इट्स विद द नॉलेज दैट गॉड गिव्स टू यू। सो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको समझने की और इनमें बढ़ने की ज़रूरत है, द विजडम ऑफ द लॉर्ड, द अंडरस्टैंडिंग जो परमेश्वर के साथ फेलोशिप के साथ आती है, और साथ ही साथ जो नॉलेज प्रभु के वचन को पढ़ने से आती है। सो दीज आर दोज थ्री थिंग्स। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। अगर आज आप अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स को लेकर परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में ऐसा मतभेद है जो शायद ठीक नहीं हो रहा है, और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ चुकी हैं, इतनी आपसे तनाव बढ़ चुके हैं कि अब शायद चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप प्रभु के वचन को जानें, प्रभु के वचन को पकड़ें, और आज जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो विश्वास करें कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी का काम होगा। तो आइए होते हैं शामिल इस प्रार्थना में और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में आपके हालातों को और आपके रिश्तों को मधुरता में बदल सकते हैं। Come, let's just pray. Gracious Heavenly Father, we thank you for who you are. प्रभु जी, आप यूनिटी के परमेश्वर हैं, और जबकि आपने अपने वचन में, अपने वायदों में ये बात कही है कि जब आपके लोग इकट्ठा होते हैं तो आपका अभिषेक, आपकी प्रेजेंस उतरती है। होने दे मेरे परमेश्वर की आज मेरे जितने भी भाई और बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपने हालातों से, अपने रिश्तेदारी में होने वाले मतभेद की वजह से परेशान है, स्पेशली प्रभु जी मैं उन हस्बैंड और वाइफ के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कि अपने मैरिटल रिलेशनशिप की खराबी की वजह से प्रॉब्लम में है। प्रभु मैं आपके सामने प्रभु इन सारी सिचुएशंस को रखती हूँ, और आपकी ओर से प्रभु आपकी दया को, आपके प्रभु जी कंपैटिबिलिटी को, और परमेश्वर आपके प्रेम को इन रिश्तों के अंदर आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जो गैप आपके और आपके लोगों के बीच में आया है, प्रभु मैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उन गैप्स को भरने के लिए प्रार्थना के साथ प्रभु आपके सामने आती हूँ, और इस बात को कहती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को करुणा के साथ डील करें, प्रभु जी उनकी जिंदगियों के अंदर से प्रभु हर तरह की कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की दुष्टता को आप प्रभु यीशु के नाम से दूर करें, प्रभु सब तरह की लैक ऑफ कम्युनिकेशन को दूर करें, हर तरह की ईगो को, हर तरह की प्राइड को, प्रभु घमंड को आप दूर करें प्रभु यीशु के नाम से, और परमेश्वर उन सभी चीज़ों के जब खाली होती हैं तो प्रभु उसकी जगह आप अपने प्रेम को भर दें प्रभु जी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को भर दें मेरे प्रभु जी, अपनी विजडम को भर दें मेरे खुदावत, अपनी नॉलेज को भर दें मेरे परमेश्वर, और सबसे ज़्यादा ये कि प्रभु आप अपने विश्वास को आपके लोगों की जिंदगियों में लेकर आए। प्रभु इस समय मैं हर एक ऐसे दंपति के लिए प्रार्थना करती हूँ, और उस वायदे को जिसमें कि आपने ये बात कही है कि कोई भी प्रभु आपके मिलाए हुओं को, आपके जोड़े हुओं को अलग ना कर सके, प्रभु जी इस वायदे को मैं उन मैरिटल रिलेशनशिप्स में बोलती हूँ जिसमें किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से मैरिटल रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं। जो कोई भी हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, जिन भी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस की वजह से रह रहे हैं, आज होने दे प्रभु, जबकि वो आप पर भरोसा लाते हैं तो प्रभु आप उनके मध्य के सारे गैप्स को, मध्य के प्रभु सारे डिस्टेंसेस को दूर करके प्रभु यीशु के नाम से उन्हें एक करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रभु जी इस समय मैं खास तौर पर प्रार्थना करती हूँ उन माओं के लिए जो कि अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। प्रभु मैं कुछ इस समय, मेरे बहनों और भाइयों, मैं इस समय कुछ ऐसी माओं के को स्पिरिट में महसूस कर पा रही हूँ, उनके दर्द को महसूस कर पा रही हूँ, जिनके बच्चे उनके कहने में नहीं है, जिनके बच्चे उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, जिनके बच्चे उनके साथ बैठकर बात नहीं करते, और वो माएँ ये सोचती हैं कि हमने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है लेकिन ये बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। आज उन माओं को परमेश्वर मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, और प्रभु जो उनके दिल के दर्द हैं प्रभु जी, उन्हें आपके सामने लेकर आती हूँ। प्रभु उस दर्द में आपका प्रभु जी सामर्थ वाला हाथ उतर आए प्रभु यीशु के नाम से, उस दर्द को आप पीस में बदल दें, और प्रभु जब वो बच्चे
मुड़कर देखें तो खुदावन वो जाने कि उनकी माएं उनके लिए कितनी सैक्रिफिशियल तरीके से साथ खड़ी रहती हैं, खड़ी रही हैं, और प्रभु उनका दिल अपनी माओं के प्रति हम्बल हो जाए, दीन हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर भागते हैं और उन्हें ऑनर नहीं करते, आज प्रभु यीशु के नाम से मैं इस बात को कहती हूँ कि प्रभु, जैसे आपका वायदा कहता है कि अपने माता और पिता का आदर करो तब तुम लंबी जिंदगी को पाओगे, तब तुम्हें आशीषें मिलेंगी, तो होने दे मेरे खुदावन कि आज जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, वो प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए आदर के साथ भर जाए। जो माता पिता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके बच्चों के दिलों में प्रभु जी आदर की कमी है, आज प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावन उनके जिंदगियों में अपने माता पिता के लिए आदर आ जाए। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी, और प्रार्थना के साथ प्रभु आशीष देती हूँ इन परिवारों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि प्रभु जब वो आपके नाम में इकट्ठा बैठे तो उनके बीच की सारी दरारें प्रभु यीशु के नाम से भरती चली जाएं और उनकी यूनिटी प्रभु जी एक एग्जाम्पल के तरीके से दूसरे लोग भी देखने पाए। धन्यवाद के साथ ये सारी की सारी प्रार्थना बहुत ही विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में होकर मांगते हैं, आमेन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जब आपने इस विश्वास की प्रार्थना को अपनी जिंदगी में रिसीव किया है तो आज ही से प्रभु आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। डोंट डाउट, जस्ट बिलीव, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सिर्फ तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है, और प्रभु कहते हैं विश्वास करोगे तो तुम उन कामों को देखोगे जो तुम परमेश्वर से मांगते हो। सो आई एम श्योर कि आज की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है और आपकी जिंदगी में प्रभु ने एक बढ़िया काम को शुरू किया है। हम चाहते हैं कि आप जरूर हमारे प्रार्थना भवन में, प्रेयर हेल्पलाइन में आप हमारे साथ संपर्क करें, अपने एक्सपीरियंस को, अपने टेस्टिमनीज को हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक, फॉलो, शेयर कर सकते हैं, और YouTube के ऊपर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज है, और साथ ही साथ Facebook पर भी डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आप कोई भी नई वीडियोस, कोई भी लाइव प्रार्थनाएं जो हैं उनमें आप शामिल हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, और हम आपको इनकरेज करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस फैमिली में, इस सेवा में जुड़ जाएं, ताकि परमेश्वर आपको भी उन आशीषों का हिस्सेदार बनाए जो आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं। सो आप हमें कॉल करें और जानें कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप में कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, कैसे आप किसी के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब जाने का समय हो गया है, बट वी विल मीट अप विद यू वंस अगेन, और तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।